सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलोफीलिया व्लॉग्स। यू मस्ट बी थिंकिंग कि आज सूरज कहाँ से हो गया भाई। तो 6-7 महीने से भाई मेरा कोई अता पता नहीं था कि मैं यूट्यूब के ऊपर कोई एक नॉट इवन अ सिंगल वीडियो, ना कम्युनिटी के ऊपर कुछ पोस्ट किया, कुछ भी नहीं किया। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं कहाँ गायब था कहाँ नहीं था, फॉर दोज हु केयर अबाउट मी। तो फिलहाल गाइस सीन कुछ ऐसा है कि आई वॉज बिजी इन माई ऑफिस एंड थोड़ा अपना प्रोजेक्ट वगैरह को एक्सपैंड करना था मेरे को। फॉर दैट मेरे को वहाँ पे जितना मैं टाइम देता था ऑब्वियसली उससे ज़्यादा टाइम देना था, एंड मेरे लिए यूट्यूब एंड साथ साथ ऑफिस को दोनों कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। हमने एक नया यूनिट एक्सपैंड किया था बेसिकली, तो वो अपना प्रोडक्शन के अंदर आ चुका है एंड सब सेटिंग हो चुकी है, काम थोड़ा ऑटो पायलट के ऊपर जा चुका है। सो फाइनली आई थॉट कि नाउ इट्स राइट टाइम टू मेक वीडियोस एंड होपफुली अब मैं डिसकंटिन्यू नहीं करूँगा। एंड लास्ट 6 मंथ से मैं थोड़ा अपने हेल्थ को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस हूँ, सो आई डिसाइडेड कि मैं वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ, जिम वगैरह स्टार्ट करता हूँ। एंड फाइनली मैं जिम ज्वाइन किया आफ्टर 8 लॉन्ग ईयर्स एंड काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस मेरे को दिख रहा था अपने अंदर, सो उससे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो अब जो व्लॉग्स आएंगे वो थोड़े बेसिकली थोड़ा फिटनेस वर्कआउट, एज दिस इज़ पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन। एंड भाई घूमना फिरना तो चलता रहता है, वो जब होगा तब ट्रैवल व्लॉग्स वगैरह डालेंगे, बट एज ऑफ नाउ सीन ऐसा है कि आई विल बी पोस्टिंग मोर अबाउट वर्कआउट्स एंड थोड़ा जिम से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड मैं डालूंगा। ऑल्दो पहले भी डालता था बट उतनी फ्रीक्वेंसी पे नहीं डालता था मैं, बिकॉज मेरी हेल्थ भी थोड़ी सफ़र हो रही थी गाइज। एंड मैंने सोचा कि जैसे जैसे एज बढ़ती है ना तो इस तरफ ज़्यादा ध्यान देना होता है, पैसा वैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, हेल्थ एक बार गई तो भाई पैसा किसी काम का नहीं है। तो फिलहाल दोबारा से ये जर्नी स्टार्ट करते हैं व्लॉगिंग की एंड आई होप यू गाइज विल सपोर्ट मी एंड आई अपोलोजाइज फॉर माई एबसेंस ऑन यूट्यूब। गाइज दिस इज़ माई न्यू एंड लेटेस्ट एडिशन इन माई व्लॉगिंग गियर। तो नया कैमरा लिया है एंड कैमरे का नाम है ऑस्मो पॉकेट 3। मैं अभी तक ना इस कैमरे को कंसिडर ही नहीं करता था, बट ऑल ऑफ अ सडन एक बार मेरे सामने कोई वीडियो आई एंड देन उसके बाद मैंने सोचा भाई क्यों नहीं लिया ये कैमरा, मैंने अभी तक क्यों DSLRs के पीछे पड़ा हुआ था। ऑल्दो DSLR अभी भी है गाइस मेरे पास, ये पड़ा हुआ है। एंड DSLR हो गया भाई थोड़ा सिनेमैटिक वीडियोज़ के लिए एंड जो ईजी टू कैरी है ये अपना डेली ब्लॉग्स के लिए ऑस्मो पॉकेट 3 हो गया। ट्रैकिंग फीचर भी है बहुत ही बढ़िया, इसमें कुछ आपको एक गिम्बल की तरह ऑपरेट नहीं करना होता, बेसिकली बस एक जगह फोकस कर दो एंड अपने आप उसको ट्रैक कर लेता है। तो फिलहाल इजी है कार के लिए, स्पेशली कार व्लॉग्स के लिए इजी है एंड बहुत ही बढ़िया है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है, एटलीस्ट आईफोन से तो बढ़िया ही है इसकी क्वालिटी। एंड गाइज अभी मैंने थोड़ी सी एडजस्टमेंट की है साइड में रुक के इसके अंदर एंड होपफुली अब थोड़ी बेटर होगी मेरे हिसाब से वीडियो, बिकॉज पहले ये जितना भी बाहर वाला मैं देख रहा था वीडियो के अंदर वो पूरा ब्लोन आउट सा आ रहा था, एकदम वॉश्ड आउट वाइट वाइट सा हो गया था पूरा। एंड अभी कुछ सेटिंग की है, होपफुली अब उतना वाइट नहीं दिख रहा होगा पीछे मेरे को, जहाँ तक मैं स्क्रीन में देख पा रहा हूँ अभी तो नहीं दिख रहा। एंड बाकी आप बताओ गाइस। राइट नाउ आई एम हेडिंग बैक टू माय होम, जिम की करनी है तैयारी, क्योंकि जिम जाने से पहले ना आधा एक घंटा खाना क्या है, प्री वर्कआउट्स वगैरह बनाना और अपना बैग वगैरह पैक करना वर्कआउट के लिए, ये सारी चीज़ें थोड़ा टाइम ले लेती हैं, आधा पौना घंटा लग जाता है इस चीज़ में, तो थोड़ा टाइमली पहुंच जाता हूं मैं। आज अपना वर्कआउट है भाई पुश डे। पुश डे में क्या करता हूं मैं, चेस्ट शोल्डर एंड ट्राइसेप्स सबकी एक्सरसाइजेस करता हूं एंड बेसिकली सेम मसल को एक वीक में 2 बार हिट करता हूं मैं। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा ब्रो स्प्लिट के हिसाब से चलता था कि एक दिन चेस्ट, एक दिन बैक, एक दिन आर्म्स, एक दिन लेग्स, हफ्ते के अंदर एक ही बार ट्रेन हो पाता था वो पार्ट। तो एज ऑफ नाउ मैंने वीक के अंदर हर एक मसल पार्ट को 2 बार हिट करना स्टार्ट कर दिया, तो इस तरीके से चल रहा हूँ गाइस। एंड इसके बाद मेरे को ज़्यादा बढ़िया प्रोग्रेस देखी है, ब्रो स्प्लिट से ज़्यादा पुश पुल लेग्स वाला वर्कआउट मेरे को ज़्यादा बढ़िया लगा है। गाइज एज ऑफ नाउ रेडी हो गया हूँ मैं जिम के लिए, फटाफट से ये अपना जो भी है खाना पीना वगैरह लेंगे। प्री वर्कआउट में मैं बेसिकली क्या लेता हूँ, या तो पीनट बटर ब्रेड खा लेता हूँ, मतलब इतना कोई स्ट्रिक्ट डाइटिंग नहीं है कि भाई यही खाना है जो मतलब एनर्जी मेरे को लगता है पीनट बटर ब्रेड से सही आती है मेरे को, एक बनाना खा लेता हूँ 1 घंटा पहले, या फिर अपना योगर्ट वगैरह ग्रीक योगर्ट खा लिया, साथ में ये ले लिया भाई अपना प्री वर्कआउट ड्रिंक। नेशन वॉन्ट्स टू नो कितने टाइम से मैंने वीडियोज़ क्यों नहीं बनाए, क्योंकि आपको हाथ थोड़ा स्लिम है। स्लिम है ना? ये जानती नहीं है मेरे को, जानती नहीं है क्यों नहीं होता। फिर भी नहीं बनाया क्योंकि आपको कैमरा लेना था। ये
फैक्ट्री में बिजी नहीं था पिछले तो बिजी तो पहले से ही थे तो पीछे ज्यादा बिजी था ना भाई कुछ नहीं पता इसको मेरे बारे में बीवी आई है मेरी तो भाई अपना सामान हो गया सारा पैक ये जिम का मेरा बैग है इसमें सारे कैमरा गैजेट्स वगैरह भी रखता हूँ एंड जिम का तो सामान ऑब्वियसली होता ही है काना बाय बाय क्या हुआ बाबू पता नहीं मैंने फोन नहीं दिया ना इसको अच्छा और फिर आईपैड के लिए आपने फोन बंद कर दिया ओ दरवाजा बंद कर दिया ओके आईपैड के लिए नाराज हो बाबू कोई नहीं नाराज ही रहो सुबह ही जिम के लिए निकल गए हैं एंड अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे को गाइस चलाने में ना गाड़ी क्योंकि एक हाथ में ये मेरे को पकड़ के चलाना पड़ रहा है इसके लिए मैंने एक माउंट मंगवाया हुआ था तो वो फिलहाल जब वो माउंट आ जाएगा ना तो इजी हो जाएगा जैसे गोप्रो माउंट हो जाता है ना गाड़ी के अंदर वैसे ये भी माउंट हो जाएगा एंड बढ़िया चीज़ ये है कि इसमें ट्रैकिंग वगैरह लाइव ट्रैकिंग हो जाती है किसी चीज़ को हमें ट्रैक करना है तो उसके बाद हमें ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती 360 डिग्री कहीं पे भी घूम जाता है अब जिसको भाई नॉलेज है वो ये चीज़ बोलेगा कि 360 अगर कैप्चर करने के लिए ये लिया तो इंस्टा 360 ही क्यों ना यूज़ कर लेते तो फिलहाल उसमें दिक्कत ये है कि 360 वीडियो तो कैप्चर हो जाती है लेकिन भाई उसमें जो पोस्ट एडिटिंग करनी पड़ती है ना वो सबसे बड़ा हैसल है वो जितना टाइम पूरी वीडियो एडिट करने में लगता है ना इतना टाइम पूरा खाली 360 के शॉट्स को एडिट करने में लग जाता है एक एक चीज़ की अपने आप से फ्रेमिंग करके पॉइंट सेट करने पड़ते हैं तो इसमें वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी तो दिस इज़ द रीज़न कि ये लिया मैंने एंड ऑलरेडी मेरे पास इंस्टा 360 है वो जैसे ट्रैवल वगैरह मैं करता हूँ वो नारकंडा वाली अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी उसमें मैं बहुत जगह पे 360 यूज़ किया वो बेसिकली कैमरा बस इसलिए है कि बाहर के शॉट्स लेने के लिए जहाँ पे आपको ज़्यादा वरी ना करना पड़े तो वो उस पर्पज़ के लिए रखा हुआ है ये अपना नॉर्मल ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करूँगा एंड DSLR इसलिए रखा हुआ है मैंने कि उसके ऊपर मैं लूँगा खाली सिनेमैटिक स्टफ़ बिकॉज हर टाइम DSLR कैरी करके रखना वो पॉसिबल नहीं है एंड बाकी ये तीन कैमरे का सेट है जो मैंने बनाया हुआ है बाकी ड्रोन शॉट्स के लिए ड्रोन तो है ही दोबारा से ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं एंड एक बढ़िया वाली ट्रिप भी अपनी प्लान होने वाली है विद मंजुल आज 6 months 7 months से मैंने वीडियोज नहीं डाली फॉर दोज हु डोंट नो कि भाई मंजुल पहले मुंबई में रह रहा था नाउ ही हैज कम बैक टू गुड़गांव एंड बाकी उसी के साथ ट्रिप प्लान होगी चरिशा जाएगी मैं जाऊंगा मंजू जाएगा होपफुली मॉम डैड भी जाएंगे लेट्स सी जैसे भी होता है लेकिन बढ़िया वाली ट्रिप होने वाली है ज़्यादा लंबी नहीं 2-3 दिन के लिए जाएंगे लेकिन अच्छा फन होगा अच्छा मज़ा आएगा अच्छा गाइस ये तो बताओ ये जो मैंने बालों के साथ कारनामा किया ये कैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने इतने छोटे बाल कराए गाइस इससे पहले मैंने कभी नहीं करवाए थे मेरे को इनफैक्ट लंबे बाल रखना ज़्यादा अच्छा लगता था बट बहुत मेंटेन करने पड़ते हैं इस चक्कर में छोटे करवा दिए भाई नहा धो के बाहर निकलो टॉवल भी नहीं मारना पड़ता सर के ऊपर एंड टाइम वेस्ट नहीं होता सुबह मॉर्निंग में बेसिकली एंड कूल रहता है दिमाग थोड़ा जी गाइस प्यारा सा सनसेट आ रहा था इसलिए मैंने सोचा एक बार रोक के छोटी सी वीडियो बना लूँ मैं डाल दूँगा इंस्टा के ऊपर सो गाइज वैसे तो मेरे जिम जाने का नॉर्मली टाइम जो मैं रखता हूँ वो अराउंड 7 o'clock के आसपास रखता हूँ आज इतना मैं कोई ऑफिस में हसल वसल नहीं थी तो इसलिए थोड़ा मैं जल्दी निकल गया 5:30 के आसपास का टाइम है ऑलमोस्ट यहाँ से मेरे घर से 10 to 15 minutes का रास्ता है 10-15 minutes की ड्राइव है ऑन अ हाईवे तो द्वारका एक्सप्रेस वे के थ्रू जाता हूँ लास्ट 6 months में मेरे को जितनी इंजरीज हुई है ना वो अगर मैं गिनवाने बैठूँ तो कब मैं मतलब नंबर ऑफ इंजरीज मेरे को टेनिस एल्बो हुआ है मेरे को शोल्डर इंजरी हुई है मेरे को शोल्डर इम्पिंजमेंट हुआ है अदर डॉक्टर तो मैं ऑर्थोपेडिक खुद ही बन चुका हूँ कि उस चीज़ को ट्रीट कैसे करना है ऑल इन ऑल तो भाई ये जो साइड में मॉल है ना इसके अंदर है अपना जिम वर्कआउट हो गया पूरा एंड बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज इतनी भीड़ होती है ना भाई ऑकवर्ड सा लगता है रिकॉर्ड करना जिम के अंदर फिलहाल चलते हैं गाइस नीचे पार्किंग में एंड लो लाइट क्वालिटी बताओ भाई कैसी आती है भाई क्लोज टू 1000 कैलोरीज बनती हैं एज़ पर एप्पल वॉच जो कि गलत बताती है हुई होंगी कुछ अराउंड 600 के आसपास 500-600
तो भाई अंडर कंस्ट्रक्शन है ये वाला मॉल, इसलिए जिम में ज़्यादा लोग नहीं आते बिकॉज नया मॉल बना है, नया यहाँ का फ्रेंचाइजी खुली है एनी टाइम फिटनेस की। भाई अच्छी खासी वाली भीड़ होगी, तब कोई चूज़ करना पड़ेगा दूसरा जिम। तो ये रही भाई अपनी वुल्कान, भाई गाड़ी की लाइट खुली छोड़ गया था मैं। सो गाइस इट टुक मी अराउंड डेढ़ घंटा लग जाता मेरे को वर्कआउट करने में, एंड लास्ट में 15 मिनट्स कार्डियो करके आता हूँ। सो दैट कि जो हम अपना मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर रहे हैं ना, वो चलता रहे, कुछ उल्टा सीधा अगर चीट हो भी जाए तो वो मेटाबॉलिज्म ही उसे बर्न कर दे। तो कार्डियो करना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट गाइस, खाली वेट ट्रेनिंग करने से काम नहीं चलता। तो देखो भाई इन्होंने ना ये जगह जगह परमानेंट वाला हिसाब किताब किया हुआ है यहाँ पे। ये देखो पार्क प्लस वालों की पार्किंग है, इन्होंने दिए होंगे इस भैया जी को अच्छे खासे पैसे और बोला होगा तुमसे हम हर मॉल में काम लेंगे। भाई जिम करके आओ, उसके बाद ये देख रहे हो राइट साइड पे मैकडॉनल्ड्स, जिम करो मैकडॉनल्ड्स खाओ। मॉल के अंदर नहीं होने चाहिए गाइस मेरे हिसाब से ना जिम। मॉल के अंदर क्या होता है कि खाने के बढ़िया बढ़िया आउटलेट्स होते हैं, तुम अच्छा खासा एक्सरसाइज वगैरह करके आओ, एंड ऐसे ऐसे आउटलेट्स देख के ना चीट करने का मन कर ही जाता है। मुझे पता है भाई मैं कैसे मन मारता हूँ इन सब चीज़ों से। खैर पहले ज़्यादा मारना पड़ता था मेरे को मन, लेकिन अब सिचुएशन ये हो गई है कि आदत हो गई अब मेरे को, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं जंक खा रहा हूँ नहीं खा रहा, लेकिन स्टिल पेट को गंदी चीज़ें खाने की भी आदत होनी चाहिए। तो हफ्ते में एक बार चीट कर लेता हूँ मैं, एंड ऐसा नहीं है कि पूरा चीट डे होता है, वो चीट मील होती है, लेकिन उस मील के अंदर मैं कुछ भी खा लेता हूँ एनी अमाउंट ऑफ कैलोरीज, एंड स्टिल वेट लॉस ही हो रहा है मेरा। तो अराउंड 84 kg के आसपास से मैंने स्टार्ट किया था अपना वेट लॉस वाली जर्नी, एंड क्लोज टू 77 पहुँच चुका है, ऑलमोस्ट 7 kg लूज कर लिए मैंने 6 मंथ्स में। डैट्स नॉट टू मच गाइज, लोग 7-7 किलो तो एक दो महीनों में ही लूज़ कर लेते हैं, बट अगर आप हेल्दी तरीके से कर रहे हो ना कि आपकी बॉडी में वीकनेस भी ना फील हो, आपको लथार्जिक भी ना लगे, एंड बॉडी रिकम्पोजिशन कर रहे हो जिसमें आपका जो लीन मसल मास है वो बढ़ता है, उसका वेट बढ़ता है एंड फैट का घटता है, तो बहुत स्लो ही वेट डाउन जाता है। तो फिलहाल मैं कोई क्रैश डाइटिंग वगैरह करके नहीं कर रहा, बिल्कुल जितना नॉर्मल खाना है वो खा के कर रहा हूँ। जस्ट एक काउंट चेक रखता हूँ अपना कि कैलरीज मेरे को इस अमाउंट से नीचे खानी है कैलरीज, अदरवाइज गाइस जैसे हवा बनाया होता है ना लोगों ने कि हाँ बॉडी बनाना और ये करना बहुत मुश्किल है, ये डेडिकेशन चाहिए, डेडिकेशन ऑब्वियसली चाहिए, लेकिन अगर आप बैलेंस तरीका उस चीज़ को ढूंढ लो ना तो डेफिनेटली आपकी बॉडी रिकम्पोजिशन बहुत ईजी हो जाती है। इसलिए मेरे को ऐसा नहीं होता कि मैं जंक नहीं खा रहा या मैं पार्टीज़ में नहीं जा रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। तो गाइस फिलहाल चल चुके हैं, टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है 8 o'clock, एंड पहुँचते हैं सीधा घर, बढ़िया से प्रोटीन शेक वगैरह लेंगे एंड बढ़िया सी मील खाएंगे। घर पहुंच गए एंड भैया से अपना मील वगैरह कर लिया, प्रोटीन ले लिया अपना, एंड कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए हैं, एंड इस टाइम मैं बैठा हूँ एडिटिंग पे। जो अभी तक मैंने वीडियो आप देख रहे थे ना पुराने वाली, वो पहले मैंने ट्रांसफर किया एंड साथ साथ एडिट करके चेक कर रहा था कि भाई क्वालिटी क्या आ रही है। तो भाई आई एम सीरियसली इम्प्रेस विद दिस कैमरा ऑस्मो पॉकेट 3, तो बहुत ही बढ़िया लग रही है यार मेरे को क्वालिटी। आई गेस सब मैं थोड़ा ना DSLR के ऊपर बहुत ही सिनेमैटिक, जब तक अटमोस्ट नेसेसिटी ना हो ना तब तक मैं वीडियो ऐसे DSLR के ऊपर शूट नहीं करूँगा। अपना कोशिश करूँगा इसमें ऑस्मो पॉकेट 3 वाले कैमरा से अपना शूट करूँगा। मेरे को तो क्वालिटी बहुत बढ़िया लगी, एंड फिलहाल एडिट करते करते टाइम क्या हो रहा है भाई 12:17। फिलहाल सीन कुछ ऐसा है कि फटाफट से ये वाली भी फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एश्योरेंस नहीं दे रहा अभी मैं आपको कि हाँ भाई हर रोज़ वीडियोज़ आएंगी, बट मैं थोड़ी फ्रीक्वेंसी अपनी बढ़ाने की कोशिश करूँगा, जैसे जैसे अपना रूटीन प्रैक्टिस के अंदर आएगा ना तब उसके बाद रेगुलर वीडियोज़ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। एंड आई होप गाइज आप सपोर्ट करोगे मेरे को, बिकॉज ये यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है ना ये ऑब्वियसली मेरे को मेरे चैनल को डेड करने वाला है या कर चुका होगा, आई डोंट नो। बाकी 6 महीने से कोई वीडियोस आई नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि अब यूट्यूब के ऊपर डालूंगा और एकदम से बम फूट जाएगा, तो उस केस में मेरे को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आई नो कि ज़्यादा व्यूज़ वगैरह नहीं आएंगे एंड
आई रिक्वेस्ट यू गाइस, जो भी आप वीडियो ये देखोगे इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करना वीडियो पे, सो दैट कि यूट्यूब की ऐसी तैसी हो जाए. एंड फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं. एंड गाइस जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. सो अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, पीस आउट.